नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सौनंदा सतीश कानितकर, सीताराम सारडा विद्यालय अहमदनगर। बच्चों, आप सभी का आज के हिंदी सातवीं कक्षा के हिंदी के क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले बहुत सारे गद्य पाठ पद्य पाठ सीखे हैं, है कि नहीं। हिंदी भाषा के बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे या पाठों का अध्ययन कर रहे थे, या गद्य पाठ होगा पद्य पाठ होगा, ये सब हमने सीखा है, तो हर एक पाठ से हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ सीखने को, अच्छी तरह की बातें हमें सीखने को मिलती है। तो हमारा अपने आप ही भाषा का ज्ञान बढ़ रहा है। हिंदी भाषा जिन्हें बहुत ही अच्छी लगती है, वह बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बच्चों, अगर भाषा का ज्ञान हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है, तो सिर्फ गद्य और पद्य पाठ पढ़कर नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, भाषा का व्याकरण भी देखना है। तो भाषा का व्याकरण जो है, कौन सी भी भाषा हो, अगर भाषा का व्याकरण जिसका अच्छा हो, जिसने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की हो, तो उसकी भाषा जो है बहुत ही अच्छी होती है। भाषा के बारे में उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होता है। तो हमने जो पाठ पढ़े हैं, तो स्वाध्याय में आपको हर एक पाठ के नीचे भाषा बिंदु दिखाई दे रहा है ना। आपके पास जो किताबें हैं, किताबों में भी दिखाई देगा कि भाषा की ओर या भाषा बिंदु जो है, इसमें आपको बहुत अलग अलग प्रकार के व्याकरण के घटक भाषा विषयक दिए गए हैं। तो हमने कुछ पढ़े भी है, आज हम उसी के ही बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि उपसर्ग और प्रत्यय, भाषा का जो व्याकरण है या भाषा का ज्ञान हमें बढ़ाना है, तो हमने बहुत सारे विरुद्धार्थी शब्द भी देखे हैं, समानार्थी शब्द भी देखे हैं, जैसे कि शब्द युग्म देखे हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार आज का अपना यह जो घटक है, इसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग किसे कहा जाता है, यह पहले हमें मालूमात करना है। तो उपसर्ग जो है किसे कहा जाता है, तो जो शब्दांश होता है मूल शब्द के पहले लग जाता है। अगर कोई मूल शब्द है, जैसे कि सत्य, सत्य यह मूल शब्द है, उसके पहले, इस शब्द के पहले हमने अगर अ जोड़ दिया, तो क्या होगा, असत्य, है कि नहीं। तो इसी प्रकार मैंने कहा आपको कि शब्द के पहले जो शब्दांश मूल शब्द को जोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। यानी जुड़कर जो शब्द तैयार होता है ना, वह शब्द जो है, तैयार होने वाला जो शब्द है, वह अर्थ में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन का मतलब क्या है, बदलाव। तो हमने देखा कि जैसे सत्य शब्द हमने लिया, इसके पहले हमने अ लगा दिया उपसर्ग, तो क्या हुआ, असत्य। तो असत्य जो है, यह शब्द पहले शब्द के अर्थ में इसने परिवर्तन कर दिया, है कि नहीं। तो इसे ही कहते हैं उपसर्ग। यानी हमें पहले जो देखना है उपसर्ग, इसमें मूल शब्द के पहले, मूल शब्द जो होता है ना, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़ दिया जाता है, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़ दिया जाता है, और शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़कर जो शब्द तैयार होता है, वह क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन, यानी बदलाव करता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो इसे ही क्या कहा जाता है, उपसर्ग। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। यानी मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़कर शब्द के अर्थ में शब्दांश जुड़कर या जोड़कर, जुड़कर क्या हो जाता है, शब्द के अर्थ में, अर्थ में
परिवर्तन यानी क्या? बदलाव। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ यह बात ध्यान में आई बच्चों कि मैंने आपको एक शब्द जैसे कि बताया था, है कि नहीं? जैसे इन्हें उदाहरण, जैसे शब्द कौन सा था? सत्य। यह हमने क्या देखा है कि मूल शब्द के पहले जो शब्दांश यानी सत्य, यह जो शब्द है, इस शब्द के पहले अगर हमने अ जोड़ दिया तो क्या हुआ शब्द? असत्य। क्या हुआ? असत्य। तो इसमें कौन सा शब्दांश जुड़ गया? ओ, और इसे ही उपसर्ग कहा जाता है। ये उदाहरण के तौर पर हमने पहला शब्द देखा है सत्य। तो इसके जैसे बहुत सारे शब्द हमें देखने हैं। तो इसके जैसे और कौन कौन से शब्द होंगे? कि शुभ क्या होगा? अशुभ, है कि नहीं? पुत्र, सुपुत्र, इसके जैसे और कई शब्द हैं जो आपको किताब में भी देखने को मिलेंगे। और आपको अगर इस भाषा में रुचि है तो आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का संग्रह अवश्य करना है। जैसे कि कु लगाकर होता है, कभी कभी मूल शब्द में कु यह उपसर्ग लगकर, जैसे कि मति यह शब्द है, कुमति, पुत्र जैसा शब्द है, पुत्र को अगर कु लगा दिया उपसर्ग तो क्या होगा? कुपुत्र। एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि यह जो पहले शब्दांश जुड़ जाता है वो क्या करता है? शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। परिवर्तन, है कि नहीं? यानी बदलाव। तो मैंने कहा था सत्य, अ लगाकर क्या हुआ? उपसर्ग लगाकर असत्य हुआ, यानी अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बदलाव हुआ ना। जैसे कि सत्य का विरुद्ध अर्थी शब्द हो गया ये तो असत्य, है कि नहीं? उसी प्रकार शुभ, शुभ शब्द है, शुभ शब्द को अ यह उपसर्ग लगाकर क्या तैयार हुआ? अशुभ। बाद में पुत्र, पुत्र को अगर उपसर्ग लगाया सु तो क्या हुआ? सुपुत्र। अगर कु यह उपसर्ग लग गया तो कुपुत्र, यानी देखो कैसी बात है, उपसर्ग लगाकर अर्थ में किस प्रकार बदलाव आ जाता है। अगर सु लग गया पुत्र को तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। अगर कु यह उपसर्ग लग गया तो क्या होगा? कुपुत्र यानी कु यानी बुरा, बुरा पुत्र। तो एक ही बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देता है, शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग। आई बात ध्यान में बच्चों? तो इस प्रकार हमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे कुमति, सुमति, और इस प्रकार जैसे कि मैंने कहा कि सुशील, कुसंग, कुप्रथा। इस प्रकार हमें उपसर्ग लगाकर शब्द लिखो, इस प्रकार का एक चार्ट भी तैयार करना है कॉपी में। अब हमें संग्रह करना है कि उपसर्ग लगाकर शब्द लिखो, तो बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, है कि नहीं? तो आया समझ में उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के उदाहरण, उपसर्ग क्या करता है? अब हमने देखा उपसर्ग का, उपसर्ग किसे कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहा जाता है, और इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग, एक ही बात ध्यान में रखनी, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ जाता है, और प्रत्यय जो है यह प्रत्यय क्या हो जाता है, शब्द के अंत में जुड़ जाता है। यानी दोनों में अंतर क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय
कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उपसर्ग लिखने को कहा जाता है जोड़कर, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रत्यय ही लगा कर लिखते हैं। यानी उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, अंतर का मतलब होता है हिंदी में फर्क। तो उपसर्ग और प्रत्यय में जो अंतर है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ जाता है, अगर यह बात ध्यान में आई तो हमारे अंक जो है हमकास मिलने वाले है, यानी हमारे गुण परीक्षा में अवश्य मिलने वाले हैं। तो यही बात ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे प्रत्यय के बारे में। यह जो प्रत्यय है, प्रत्यय जो है तो इसमें जो शब्दांश होता है ना, शब्द का अंश जो होता है, तो वह शब्द के अंत में जुड़ जाता है। जो शब्दांश शब्द के या शब्दों के शब्द के या शब्दों के अंत में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, यह जो शब्दांश होता है शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में, उनके अर्थ में क्या करता है, यह विशेषता लाता है। क्या करता है, विशेषता उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो देखो, यानी प्रत्यय का प्रयोग करने से नया शब्द बन जाता है, और यह प्रत्यय के प्रयोग से नया शब्द क्या हो जाता है, बन जाता है या बनाया जाता है। यह भी हम बनाया जाता है, यह बात हमें सीखनी है। तो क्या कहा है प्रत्यय के बारे में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में या अंत में इधर लिखना है, अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, वही प्रत्यय कहलाता है कि नहीं? इसे ही प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय के प्रयोग से एक नया शब्द बनाया जाता है। वह कैसे, तो यह भी हम सीखेंगे, है कि नहीं? तो जैसे कि वीर शब्द है, मैंने क्या कहा है कि शब्द के अंत में जो शब्दांश क्या हो जाता है, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके शब्द में उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे कि प्रत्यय लगाकर अब होगा वीरता, यानी शब्द के अंत में कौन सा शब्दांश लगाया हमने, ता, है कि नहीं? ता, यह शब्दांश लगाकर शब्द तैयार हुआ वीरता। वीरता इस शब्द ने क्या किया है, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दी कि नहीं, एक गुण बताया है कि नहीं, वीरता है ना। तो ता क्या है, प्रत्यय है। शब्द के अंत में जुड़कर जो शब्दांश होता है ना, शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता उत्पन्न करता है, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है, और इसके प्रयोग से क्या हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। जैसे कि वीर, वीरता। दूसरा होगा मधुर, मधुरता, है कि नहीं, मधुरता। तो इसमें भी ता प्रत्यय लग गया। जैसे कि दया, दयावान, है ना, वान लग गया। गुण, गुणवान, है ना। तो इस प्रकार वान भी प्रत्यय है। हिंदी भाषा में प्रत्यय जो है, जैसे कि ता लग गया, कहीं कहीं वान भी लगता है शब्द के अंत में, यह जो शब्दांश है वान। तो उसी प्रकार और क्या क्या होते हैं, मधुर में शब्द, मधुर शब्द में ता जोड़ने पर क्या हुआ, मधुरता हुआ। वीर में ता जोड़ने पर वीरता हुआ। तो यह जो जुड़ा हुआ जो शब्दांश है ना, इसे ही प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि दया को क्या लग गया, दयावान,
गुण शब्द को प्रत्यय लगा कर लिखो तो गुणवान है कि नहीं। तो इसी प्रकार दूसरी ओर क्या हो जाता है, इसमें जैसे कि हमने देखा वान प्रत्यय या ता प्रत्यय लग गया है, कभी कभी हीन, कभी कभी एक प्रत्यय लग जाता है और शब्द तैयार हो जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार के हमें कुछ शब्द भी देखने हैं, जैसे कि दिन, दिन को प्रत्यय लगा कर लिखो अगर आया तो क्या हो जाएगा, दिन भर, दिन दिन भर है कि नहीं। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय में प्रत्यय लगाकर जो शब्द तैयार हो जाता है वह शब्द जो है नया शब्द बन जाता है। तो हमें इसके उदाहरण भी और देखने हैं है कि नहीं, जैसे कि वीर वीरता, मधुर मधुरता। इसी प्रकार आपके सातवीं कक्षा का जो पुस्तक है इस पुस्तक में 17 नंबर पर, पन्ना नंबर 17 है ना, हमने जो देखा था पाठ जो देखा था कलाम जी का, डॉक्टर कलाम जी का पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ के नीचे भी आपको एक आकृति दी हुई है। और इस आकृति में क्या कहा गया है, ऊपर प्रश्न कि पंख में ये जो पंख दिए गए हैं जैसे कि इसमें क्या करना है, उपसर्ग तथा प्रत्यय लिखना है। एक पंख में उपसर्ग लिखना है, बीच में मूल शब्द है और दूसरी बाजू में क्या करना है, दाई ओर प्रत्यय लगाकर वाक्य लिखना है। क्या क्या दिया है यहाँ, जैसे मैंने बताया कि दिन शब्द, दिन इस शब्द को उपसर्ग लिखकर भी लिखना है, जोड़कर भी लिखना है और प्रत्यय लगाकर भी शब्द तैयार करना है। यानी एक बाजू में उपसर्ग सहित शब्द है और दूसरी बाजू में प्रत्यय सहित शब्द है। जैसे दिन यह शब्द दिया है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो क्या हुआ, यह दिन को प्रति यह उपसर्ग लगकर तैयार हुआ प्रतिदिन है कि नहीं। और इसी शब्द को भर प्रत्यय लगकर दिन को प्रत्यय लगा भर, यानी तैयार हुआ दिन भर। इसी प्रकार और सारे शब्द दिए हैं, जैसे कि नम्र, नम्र यह जो शब्द है, नम्र इस शब्द को प्रत्यय लगाकर लिखो तो आप कैसे लिखोगे, उपसर्ग लगाकर लिखना है तो क्या हो जाएगा, विनम्र है कि नहीं। पहले जोड़ना है उपसर्ग, यानी हमारे मस्तिष्क में यह बात फिट करनी है, क्या करना है, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में। यही बात अगर हमने ध्यान में रखी तो हमारे अंक जो है परीक्षा में, हमें जो मिलने वाले अंक है हमें मिलेंगे ही। तो नम्र जो शब्द दिया हुआ है उपसर्ग लगाकर हुआ विनम्र, और नम्र शब्द को प्रत्यय लगाकर लिखो कहा गया है तो हुआ नम्रता। इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, ताय प्रत्यय लग गया है ना। तो इन शब्दों का अपने सीधे साधे वाक्यों में इसका प्रयोग भी करने को कहा है कि नहीं। पहले हम क्या देखेंगे, इन शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर क्या हो जाता है। तीसरा शब्द है इसमें डर, मूल शब्द दिया हुआ है डर, डर को उपसर्ग लगाकर अगर लिखा जाए तो होगा निडर है ना। तो यह हुआ उपसर्ग सहित शब्द, और डर को ओक शब्द लगाकर, यानी प्रत्यय लगाकर शब्द के बाद है इसीलिए प्रत्यय हुआ, तैयार शब्द कौन सा, डरपोक है कि नहीं। वो अगला जो शब्द है जल, जल को नी लगाकर यानी निर्जल, और इसी शब्द को प्रत्यय लगाना है तो जलहीन। तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग कब लगता है, उपसर्ग से क्या हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्यय यानी क्या, प्रत्यय कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। अगला जो शब्द दिया हुआ था साहस, साहस इसे उपसर्ग लगा कर लिखा तो दुस्साहस है कि नहीं। और जो प्रत्यय लगा कर लिखना है साहसी, बाद में सत्य असत्य सत्यवादी यह जो है हमने देखा ही है कि नहीं। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी बच्चों, जो शब्द हम उपसर्ग सहित लिखेंगे या प्रत्यय सहित लिखेंगे तो इन शब्दों का
हमें क्या करना है, हमारे निजी भाषा में सीधे साधे वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग भी करना है। कि जैसे यह पाठ्य पुस्तक में एक करके दिखाया है कैसे कि पहला जो शब्द है कि दिन शब्द, उसे उपसर्ग लगाकर हुआ था प्रतिदिन और प्रत्यय लगाकर हुआ था दिन भर। तो क्या दिखाया है कि मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, प्रतिदिन खेलता हूँ, और प्रत्यय लगाकर जो शब्द तैयार हुआ दिन भर नहीं खेलना चाहिए। उसी प्रकार हमने जो आगे के शब्द बनाए हैं, तो जैसे कि राम या राजू बड़ा विनम्र लड़का है, विनम्र शब्द बनाया था ना हमने, तो विनम्र जो है शब्द इस वाक्य में प्रयोग किया है। जैसे कि मनु का व्यवहार सदैव नम्रता से परिपूर्ण होता है, नम्रता का हमने इसमें प्रयोग किया है। जैसे अब डर शब्द है, डर को लगाया नहीं डर, और प्रत्यय लगाकर लिखा डरपोक, यानी हम कई भी हमारे अपने वाक्यों में इसका प्रयोग अच्छी तरह से इन शब्दों का कर सकते हैं। जैसे कि सीता एक निडर लड़की है कि नहीं, और आभा एक डरपोक लड़की है। यानी देखो किस प्रकार विरोधी जैसे कि अर्थ यहाँ तैयार हो गए ना कई कई। तो यहाँ जल है निर्जल, यानी मेरी माँ निर्जल उपवास करती है, बाद में जलहीन, तो यहाँ का जलाशय जो है जलहीन है, जलहीन है ना जिसमें पानी नहीं है, है ना, पानी के बगैर। अगला जो शब्द है साहस है ना, परीक्षा में नकल करने का साहस जो शब्द है, इसमें हमें उपसर्ग लगाकर क्या किया है, दुस्साहस का किया है ना। तो इसका उपयोग हमने वाक्य में क्या किया कि परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। साहस शब्द को प्रत्यय लगाया है और प्रत्यय लगाकर जो शब्द तैयार हुआ है तो वह हो गया साहसी। तो हम लिख सकेंगे कि गोपाल बहुत ही साहसी है कि नहीं। आगे का शब्द है असत्य, जो बनाया गया हमने उपसर्ग लगाकर, गांधी जी कभी भी असत्य नहीं बोलते थे, और सत्यवादी जो है राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध है। आया ध्यान में बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में जो फर्क है, जो अंतर है, वह हमने सीखा है अभी अभी, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम घर पे रहकर एक कॉपी में इन शब्दों का संग्रह करेंगे, उपसर्ग सहित शब्द, उपसर्ग लगाकर शब्द लिखेंगे, 20-25 तो अवश्य होंगे, है कि नहीं। अपने घर में बड़े बूढ़े हैं, अपने भाई बहन हैं, उनसे चर्चा करेंगे, और एक अलग प्रकार का आपको आनंद मिलेगा कि हमें बहुत सारे शब्द का भंडार हमारे पास हो रहा है। जैसे उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर भी बड़े बड़े चार्ट बनाते हैं बच्चे अपने स्कूल में, जब आप जाओगे तो अच्छे अच्छे चार्ट बनाकर भी लेकर जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों कि हमारा ज्ञान बढ़ने वाला है और हिंदी भाषा हमें और भी अच्छी लगने लगी। तो इसीलिए हमें हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारी और भी प्राप्त करनी है। अभी अभी बच्चों हमने जो देखा है उपसर्ग और प्रत्यय, पन्ना नंबर जो है 17 आपको कॉपी में अवश्य लिखना है। और अगला जो भाग है भाषा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमें और एक भाग देखना है कि जो हमारे हिंदी भाषा में वर्ण है, तो वर्ण जो है वर्णों से ही भाषा बनती है, शब्द बनता है, भाषा बनती है कि नहीं। तो जब कभी कभी क्या हो जाता है, हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, और यह जो वर्ण होते हैं, वर्ण आगे पीछे दिए जाते हैं, और आपको क्या किया जाता है, इन वर्णों से सार्थक शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। सार्थक शब्द, हाँ अलग ध्यान देना है, सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, जिसे अर्थ होता है, ठीक है ना, सार्थक शब्द। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि आपको एक प्रश्न पूछूंगी कि जैसे र प वा री, अगर मैंने यह जो वर्ण है आगे पीछे दिए है आपको, तो आपको जल्दी समझ में आने वाला है कि यह शब्द कौन सा है, सार्थक शब्द कौन सा बनने वाला है इससे। तो मैंने क्या कहा था, र प व री ऐसा शब्द कहा था, है कि नहीं।
इसका शब्द जो है सार्थक शब्द कौन सा तैयार हुआ है वर्णों से? क्या कहा मैंने? वर्णों से सार्थक शब्द बनाना है ना? सार्थक शब्द बनाकर लिखो अगर ये कहा जाए तो। मैंने एक शब्द आपको दिया था र प वा री, यह जो शब्द है मैंने दिया था, इससे कौन सा शब्द बनने वाला है सार्थक शब्द? कौन सा? तो परिवार है ना। तो आप घर पे भी इस प्रकार के शब्द बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। मैं दूसरा शब्द आपको दूंगी, है या ली ब, आपके पाठ के ही शब्द है, पाठ में ही आपने देखे है, उसी पाठ पर मैंने ये शब्द दिए है या ली ब, इन्हें बहेलिया, बहेलिया हमने देखा है दादी माँ का परिवार में, है कि नहीं? इसी प्रकार शब्दों का जो शब्दों में जो वर्ण होते हैं, वर्ण की अगर जगह बदल दी, आगे पीछे दिए, तो आपको सार्थक शब्द में इसे लिखना आएगा। बहेलिया, जैसे कि कौन सा शब्द हमें तैयार हुआ दिखाई दिया है? बहेलिया। और अगला शब्द मैं और दूंगी आपको, र क ल व, यानी क्या? इसका शब्द कौन सा तैयार होने वाला है? क ल र व, है कि नहीं? कलरव जैसा शब्द हमने देखा है दादी माँ के परिवार में ही, हमने ही कुछ शब्द ऐसे देखे हैं, है ना? कलरव सुनाई दे रहा था ना दादी माँ को, तो जैसे हमने ये शब्द देखे, इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हमको मिलने वाले हैं, है ना? म जो ह और ली, म जो ह ली, यानी इसका शब्द तैयार हुआ हम जो ली, कौन सा तैयार हुआ? हम जो ली। तो बच्चों आया ना मजा, है कि नहीं? अलग अलग अगर वर्ण दिए जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से शब्द, सार्थक शब्द बनाना भी आएगा। तो आपको घर पे रहकर बच्चों बहुत सारी जो जानकारी मिल रही है अभी, है ना? जैसे मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ लाए थे, अब मैंने जो शब्द लिखे उसी प्रकार आप पुस्तक में, हमारी कौन सी भी किताब में, हिंदी के पुस्तक में कौन सा भी पाठ हो, इस पर आप ऐसे शब्द तैयार कर सकते हैं। आपके मन से ही हमें यह करना है कि आगे पीछे देने हैं ये जो वर्ण है ये, और इसका सार्थक शब्द बनाना है, है ना? तो बहुत सारे शब्द हमें बनाते आएंगे, यानी हमें अच्छी तरह से समझ जाएगा कि कितनी मनोरंजनात्मक तरीके से हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो बच्चों यह जो मैंने अभी अभी आपको भाषा का ज्ञान जो है, या व्याकरण का भाग जो है, हमने अभी सीखा है, तो यह बात पक्की ध्यान में रखनी है। और हमारी भाषा जो है अच्छी से अच्छी पक्की होनी चाहिए, यानी भाषा के बारे में बारीकी से ज्ञान हमें प्राप्त करना है अच्छी तरीके से। जो जो भी आपको घर पर गृहपाठ दिया जाएगा, जो जो भी कहा जाएगा, उसकी एक कॉपी तैयार करनी है, और आपने अध्यापक को जब हमारा स्कूल, हमारी पाठशाला जब शुरू होने वाली है तभी दिखाना है। तो अच्छा, नमस्ते बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहकर सुरक्षित रहो और अच्छे तरीके से पढ़ते रहो।